हमारा नहीं, पूरे उज्जैन शहर का, अपने मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, परिवार का और समाज का तो नाम हुआ ही, लेकिन अपने उज्जैन शहर का भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा, खुशी का पल है कि कम से कम एक उज्जैन की पहचान तो बाबा महाकाल ने बनाई रखी है, लेकिन उसमें एक और भी उन चार चांद लगा दिए बिटिया ने, बड़ा अच्छी बात है। पहली बार मुझे लगा कि कुछ मुझे इंडिया बनी उज्जैन से। आपको तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगा कि भाई कहाँ है, लेकिन मेरे देखने में नहीं आया किसी ने मिस इंडिया का खिताब उज्जैन से। निकिता जी के शुरुआती दौर से अभी तक के सफर में किस प्रकार से देखा गया कि आपने, मतलब बालिका की कैसे इच्छा जागी ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? बचपन में वो गर्भों में, मोहल्ले के गर्भे हुआ करते थे, स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ करती थी, उसमें भाग लिया करती थी वो। और पढ़ने के साथ साथ में उसमें ट्वेल्थ के बाद उसको लगा कि मैं एक्टिंग के लिए, तो उसने बड़ौदा से शाहजी यूनिवर्सिटी से एक्टिंग एडिटिंग का कोर्स किया और डिग्री कोर्स किया उसने। और उसके बाद वो श्रीज जी के जो वो रामलीला है उससे जुड़ी हुई यूनिट से, और उसकी रामलीलाएँ ओरछा में, अयोध्या में, भोपाल, सामाजिक न्याय परिषद उज्जैन में, नागदा में, बेंगलोर वगैरह में हुई। उसकी कृष्ण लीलाएँ भी की उसने, उसमें सीता की भूमिका निभाई रामलीला में और राधा की भूमिका कृष्ण लीला में निभाई। उसने मोहिनी रूप वाले रोल भी किए ज़रूरत पड़ने पर, जिस जरूरत में होती थी। और वो खुद अपनी स्क्रिप्ट राइटर लिखती है, डायलॉग लिखती है। बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है इन सब मुकाम तक पहुंचने के लिए। हाँ, किस तरह से सपोर्ट रहा? मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों। मार्गदर्शन भी जरूरी है कि मार्गदर्शन के गलत ना हो जाए। अगर बच्चों का मार्गदर्शन ठीक नहीं होगा तो बच्चों को गलत भी हो जाते हैं। एक परिवार का जो संस्कार चले आते हैं वो भी बच्चों काम आते हैं। और हम लोग पूरा सपोर्ट रहा परिवार का, उसकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, उसे तैयार करना शुरू। मम्मी मुझे तैयार, सबसे बच्चों को पहले तैयारी की, आजकल बच्चों को होता मुझे तैयार करो, वो तैयारी से उसकी मम्मी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, उसमें उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चला। फिर उसका हमारा नहीं, पूरे उज्जैन शहर का, अपने मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, परिवार का और समाज का तो नाम हुआ ही, लेकिन अपने उज्जैन शहर का भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा, खुशी का पल है कि कम से कम एक उज्जैन की पहचान तो बाबा महाकाल ने बनाई रखी है, लेकिन उसमें एक और भी उन चार चांद लगा दिए बिटिया ने, बड़ा अच्छी बात है। पहली बार मुझे लगा कि कुछ मुझे इंडिया बनी उज्जैन से। आपको तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगा कि भाई कहाँ है, लेकिन मेरे देखने में नहीं आया किसी ने मिस इंडिया का खिताब उज्जैन से। निकिता जी के शुरुआती दौर से अभी तक के सफर में किस प्रकार से देखा गया कि आपने, मतलब बालिका की कैसे इच्छा जागी ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? बचपन में वो गर्भों में, मोहल्ले के गर्भे हुआ करते थे, स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ करती थी, उसमें भाग लिया करती थी वो। और पढ़ने के साथ साथ में उसमें ट्वेल्थ के बाद उसको लगा कि मैं एक्टिंग के लिए, तो उसने बड़ौदा से शाहजी यूनिवर्सिटी से एक्टिंग एडिटिंग का कोर्स किया और डिग्री कोर्स किया उसने। और उसके बाद वो श्रीज जी के जो वो रामलीला है उससे जुड़ी हुई यूनिट से, और उसकी रामलीलाएँ ओरछा में, अयोध्या में, भोपाल, सामाजिक न्याय परिषद उज्जैन में, नागदा में, बेंगलोर वगैरह में हुई। उसकी कृष्ण लीलाएँ भी की उसने, उसमें सीता की भूमिका निभाई रामलीला में और राधा की भूमिका कृष्ण लीला में निभाई। उसने मोहिनी रूप वाले रोल भी किए ज़रूरत पड़ने पर, जिस जरूरत में होती थी। और वो खुद अपनी स्क्रिप्ट राइटर लिखती है, डायलॉग लिखती है। बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है इन सब मुकाम तक पहुंचने के लिए। हाँ, किस तरह से सपोर्ट रहा? मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों। मार्गदर्शन भी जरूरी है कि मार्गदर्शन के गलत ना हो जाए। अगर बच्चों का मार्गदर्शन ठीक नहीं होगा तो बच्चों को गलत भी हो जाते हैं। एक परिवार का जो संस्कार चले आते हैं वो भी बच्चों काम आते हैं। और हम लोग पूरा सपोर्ट रहा परिवार का, उसकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, उसे तैयार करना शुरू। मम्मी मुझे तैयार, सबसे बच्चों को पहले तैयारी की, आजकल बच्चों को होता मुझे तैयार करो, वो तैयारी से उसकी मम्मी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, उसमें उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चला। बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी भतीजी ने मिस इंडिया का खिताब जीता है। किस तरह की जो है रुचि शुरू से रही है? शुरू से उसकी रुचि इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो शुरू से तैयार रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
और आगे भी निकलती थी वो, क्लियर भी होती थी मतलब वो। निकिता की शुरुआती दौर से लेकर अब तक आप उसके साथ ही रही हैं, आपने काफी समय उसके साथ बिताया है, किस प्रकार से आप देखती हैं उसके सफर को, कितना संघर्ष रहा, कितने सपोर्ट रहा, कैसे मानती हैं? सपोर्ट तो उसको फैमिली का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहा है उसको फैमिली का। उसने जो भी किया है उसको, उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसके साथ में रहे हैं और हम लोग भी साथ में रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।